सो वेलकम स्टूडेंट हम कर रहे हैं सी बी एस ई क्लास ट्वेल्व चैप्टर वन की एक्सरसाइज वन पॉइंट वन आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट देखो शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए वन टू थ्री फोर फाइव आपको एक सेट दे रखा है और जो आपका रिलेशन है उसे डिफाइन कर रखा है इस फॉर्म में ठीक है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी की फॉर्म में होगा और मॉड ए माइनस बी इज ईवन ठीक है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो पहले इसे करते हैं फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट बाद में तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है क्या होता है भाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा ठीक है तो ठीक है पहले इसे कर लेते हैं देखो रिलेशन आपको दे रखा है ना आर ए माइनस बी तो अब यानी कि मैं इसमें से ए में से ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव देखो आर जो रिलेशन आएगा इसी के तो कार्टोजन प्रोडक्ट से आएगा तो यानी कि आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे भाई इसी में से तो लेंगे हम सारे के सारे यानी कि अगर मैं ए कॉमा ए ले लूँ ठीक है अब अगर मैं ए कॉमा ए ले लूँ तो क्या आ जाएगा आपका ए कॉमा ए यानी कि ए माइनस ए जीरो और जीरो क्या है ईवन है ठीक है तो यानी कि आप कोई भी एलिमेंट उठा लो यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर यानी कि रिलेशन आर को बिलोंग करेगा ठीक है कोई भी एलिमेंट उठा लो आप कार्डजन प्रोडक्ट का ठीक है तो यानी कि वो बिलोंग करेगा आर को सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए तो जितने भी आपके एलिमेंट है भाई वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सब जीरो आएंगे और जीरो क्या होता है इवन होता है तो यानी कि ए सेट के सारे एलिमेंट यानी कि उन सब का क्या होगा डबलेट यानी कि इवन होगा तो यानी कि हैंस क्या है आपका ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव ठीक है तो रिफ्लेक्सिव हो गया अच्छा सिमेट्रिक की बात करें ठीक है फॉर सिमेट्रिक ठीक है सिमेट्रिक ले देखो अब देखो आपका a, b अगर मैं लूं a, b बिलोंग्स टू r ठीक है अगर a, b बिलोंग्स टू r यानी कि मान लो ए माइनस बी आपका ईवन आ रहा है तो बी माइनस ए भी तो ईवन आएगा बस क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव से कोई मतलब नहीं क्योंकि क्या है मॉड हुआ है आपका मॉड लगाओ तो यानी कि वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ईवन रहने वाला कोई दिक्कत नहीं उससे ठीक है तो यानी कि हम सीधा सीधा देखो ये देख लो ना भाई अगर मैं ले लूँ वन माइनस थ्री कितना आएगा भाई माइनस टू और मैं थ्री माइनस वन ले लूँ तो क्या आएगा टू तो मॉड है तो यानी कि टू और टू तो आ तो इवन ही रहा है ना तो यानी कि सीधा सीधा लिख लेंगे हम कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ठीक है और हम लिख लेंगे आपका ये हो जाएगा आपका बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ठीक है तो यानी कि क्या हो गया आपका सिमेट्रिक भी हो गया समझ गए ना नाउ फॉर ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको पता है यानी कि हम लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ठीक है यानी कि ए माइनस बी आपका इवन आ रहा है ए माइनस बी ईवन है आपका ठीक है और हम लिखें बी कॉमर सी ये भी बिलोंग कर रहा है आर यानी कि बी माइनस सी भी आपका क्या है यानी कि इसको लिख लो बी माइनस सी ये भी इवन है अब अगर मैं इनको ऐड कर दूँ ठीक है मैं इनको ऐड कर दूँ दू, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ठीक है तो तो ए माइनस सी भी क्या आ जाएगा आपका इवन अब देखो एग्जाम्पल से देखो इसको समझो ठीक है मैं ले लेता हूँ ए कॉमा बी आपका वन और थ्री भाई इनका डिफरेंस क्या है भाई वन माइनस थ्री आपका टू यानी कि ईवन है आपका ठीक है और मैं ले लेता हूँ थ्री कॉमा फाइव तो ये भी आपका क्या है आपका ये भी आपका टू यानी कि ये भी ईवन और वन और फाइव को ये हो गया ना ए बी ये हो गया बी सी तो ए सी वन माइनस फाइव आपका फोर ये भी तो ईवन है मॉट का ये भी तो ईवन आ गया तो हो गया ना ट्रांसीटिव ठीक है ट्रांजिटिव भी आप ले सकते हो इसको ठीक है क्लियर है इतना अब देखो सेकंड पार्ट तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपको सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ वन थ्री फाइव आर रिलेटेड टू ईच अदर ये तीनों आपस में रिलेटेड है ठीक है एंड ऑल एलिमेंट टू फोर ये आपस में रिलेटेड है आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट यानी वन थ्री फाइव इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ टू फोर तो कहने का मतलब कि वन थ्री फाइव आपस में रिलेटेड हैं टू फोर आपस में रिलेटेड हैं बट इसका कोई एलिमेंट इसके साथ कोई रिलेशन में नहीं है ये हमें शो करना है ठीक है अब देखो यानी कि जो वन थ्री फाइव है ये आपस में कैसे रिलेटेड है ठीक है देखो तो इस इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो भाई वन माइनस थ्री का मॉड ईवन ठीक है आप ले लो थ्री माइनस फाइव का मॉड ये भी ईवन ठीक है वन माइनस फाइव ले लो ये भी ईवन तो यानी कि आप जो भी ले रहे हो यानी कि क्या रहा even आ रहा है ईवन आ रहा है यानी कि क्या है ये सब आपस में रिलेशन में है यानी कि इनका डिफरेंस क्या है ईवन है वैसे अगर मैं ले लू ये टू कॉम फोर ठीक है तो ये कैसे आपस में रिलेशन है इनका भाई टू माइनस फोर ले लो तो इसका ईवन ठीक है फोर माइनस टू ले लो तो ये भी ईवन तो यानी कि देखा जाए तो ये क्या है ये आपस में रिलेशन में है कि यानी कि ईवन आ रहा है लेकिन अब क्या बोला है कि आपका यानी कि इनका और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है भाई टू फोर और वन थ्री फाइव का कोई रिलेशन नहीं है तो यानी कि देखो तो अगर मैं सीधा सीधा देखूं ठीक है अगर मैं सीधा सीधा देखूं कि वन माइनस टू अगर आप वन माइनस टू लो तो क्या आ जाएगा ऑड ठीक है आप कोई भी नंबर उठा लो कोई भी नंबर उठा लो और आपको पता है यानी कि ऑड एंड ईवन का डिफरेंस कभी भी ईवन नहीं आ सकता ठीक है ऑड एंड ईवन का डिफरेंस ठीक है ऑर्डर इवन का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आ सकता तो यानी कि ये क्या है ये कभी भी आपस में रिलेशन में नहीं हमें यही शो करना था ठीक है तो बस इतना ही दिखाना था आपको भाई आपस में रिलेशन में है आपस में रिलेशन में है बट ये और ये आपस में रिलेशन में नहीं है क्योंकि ऑर्डर इवन का कभी भी इवन डिफरेंस नहीं आ सकता क्वेश्चन नंबर नाइन देखो यहां बोला है शो दैट ईच ऑफ़ द रिलेशन आर इन द सेट ठीक है इसमें दे रखा तो ये आपको किस फॉर्म में दे रखा है ये आपको दे रखा है सेट बनाने वाली फॉर्म यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ तो ये हो जाएगा एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इंटीजर है ठीक है तो यह हो जाएगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व भी आ जाएगा ठीक है क्योंकि इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व तो ये हो गया आपके पास ठीक है अब आपके पास जो रिलेशन है ठीक है पहला पहला वाला पार्ट करते हैं तो फर्स्ट पार्ट तो रिलेशन आपको दे रखा है कि ए कॉमर बी तो ए माइनस बी यानी कि इसका मॉड क्या है मल्टीपल ऑफ फोर होना चाहिए तो अगर मैं रिलेशन के आपके कुछ सेट लिखूँ इसमें तो क्या क्या हो जाएगा भाई जीरो कॉमर फोर ठीक है वन कॉमर फाइव ठीक है टू कॉमर सिक्स तो सारे लिखने की जरूरत नहीं है आप बस थोड़ा लॉजिक यूज कर लेना है ठीक है तो हमें बोला इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन तो क्स के लिए हमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और, जीरो आ जाएगा। और जीरो किसी का भी मल्टीपल हो सकते है तो जीरो एक तरह से किसी का भी मल्टीपल हो सकता है यानी कि वन माइनस वन टू ठीक है टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री फोर माइनस फोर ठीक है फाइव यानी कि सबके ही सबके आपके? आपके सब क्या आ जाएंगे जीरो आ जाएंगे तो यानी कि ए कॉमा ए आपका ठीक है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा यानी कि सब में आएंगे यहाँ पे आपका जीरो कॉमा जीरो भी आएगा आपका ठीक है तो यानी कि सबका आ जाएगा यानी कि सबका तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा ठीक है अब अगर बात करते हैं ठीक है तो रिफ्लेक्सिव हो गया आपका तो बात करते हैं आपका सिमेट्रिक ले ठीक है तो फॉर सिमेट्रिक तो सीमेट्रिक की बात करें देखो अगर आपका यानी कि इसमें आपके इसमें हमारे पास भाई जीरो कॉमा फोर है तो इसका उल्टा भी तो होगा यानी कि जीरो कामा फोर बिलोंग्स टू आर तो भाई फोर कॉमा जीरो भी तो आएगा ही एक है ना एक ऑर्डर पेयर सिर्फ फोर कामा जीरो भी तो आएगा ही हमें क्या चाहिए मल्टीपल ऑफ फोर होना चाहिए यानी कि ए माइनस बी तो फोर माइनस जीरो का मॉट ये भी तो क्या फोर आएगा आपका ये भी तो मल्टीपल ऑफ़ फोर है तो यानी कि भाई फोर कॉमा जीरो भी आएगा ये भी बिलोंग्स करेगा आपको तो ऐसे ही सब क्या आएँगे आपके पास आप कोई भी ले लो भाई वन कामा फाइव है तो वन माइनस फाइव फोर ठीक है ये भी मल्टीपल बैठेगा तो फाइव माइनस वन भी तो आपका मल्टीपल ऑफ फोर ही आएगा ठीक है तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं यानी कि सबके क्या होंगे यानी कि आपके रिलेशन भी प्रेजेंट होंगे तो यानी कि ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर तो वैसे हम लिखेंगे ए टू ए वन बिलोंग्स टू आर ठीक है तो और सबके लिख सकते हो फॉर ऑल ए वन ए टू ठीक है बिलोंग्स टू आर तो सभी के लिए आपका तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा हैं सिमेट्रिक अच्छा फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखो फॉर ट्रांजिटिव ठीक है ट्रांजिटिव के लिए देखो यानी कि अगर मैं लूँ जीरो कॉमा फोर ठीक है जीरो कॉमा फोर बिलोंग्स टू आर ठीक है जीरो कॉमा फोर तो यानी कि भाई फोर कॉमा जीरो भी तो बिलोंग करेगा आर को ये भी तो आपका मल्टीपल ऑफ फोर ही आएगा फोर माइनस जीरो भी फोर जीरो माइनस फोर भी फोर मल्टीपल ऑफ फोर तो यानी कि ये क्या हो गया ए बी बीसी तो क्या आना चाहिए ए तो यानी कि भाई जीरो कॉमर जीरो भी तो बिलोंग्स करेगा आर को ये भी तो मल्टीपल ऑफ फोर हो गया जीरो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है ठीक है ऐसे समझ से करना है आपको हर जगह वही चीज है आपका यानी कि आप एक को एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दो और सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा ठीक है तो यानी कि हम लिख सकते हैं ना हैंड्स ट्रांजेटिव समझ आ गया ठीक है इस तरीके से करना है तो हो गया इक्लेशन ठीक है अब सेकंड पार्ट देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला जो रिलेशन है आपका ए बी यानी कि ए इक्वल टू बी तो यानी कि हम रिलेशन लिख सकते हैं इसके तो सारी देखो क्या हो जाएंगे ये हो जाएगा जीरो जीरो ठीक है वन वन टू टू ठीक है तो ये लिख दिया हमने यानी कि आपका ये हो गया पूरा सेट पूरा लिख सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं तो इसको हमें सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव अब देखो अब एक बात सुनो देखो कभी भी ऐसा हो कि आप पूरा सेट सेटिव लिख दो ठीक है पूरा सेट सेटिव लिख दो और उसमें क्या हो रिफ्लेक्सिव हो सारे के सारे तो वो हमेशा सिमेट्रिक भी होगा ठीक है ट्रांजिटिव भी होगा और रिफ्लेक्सिव तो होगा हो ही होगा आपका ठीक है तो यानी कि आप सीधा सीधा लिख सकते, तो तो सकते हो यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ठीक है तो हैंड्स रिफ्लेक्सिव तो ये आप खुद ही लिख सकते हो भाई फिर वैसे ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर ठीक है इस तरीके से आप लिख सकते हो यानी कि जब भी आपके पास इस तरीके से यानी कि सारे के सारे आपके पास रिफ्लेक्सिव आ जाएँ पूरा पूरा सेट ही उतार दो तो वो हमेशा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव होते ही होते हैं ठीक है अब आगे हमें बोला हुआ है यहाँ पे कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस तो पहले केस की बात करें यानी कि वन से कौन कौन रिलेटेड है यानी कि वन में हमें क्या चाहिए था भाई मल्टीपल ऑफ़ फ़ फ़ोर चाहिए था आपको तो यानी कि एक तो हमारे पास क्या हो गया वन माइनस फाइव ठीक है फोर ठीक है मल्टीपल ऑफ़ फोर आएगा तो यानी कि एक हमारे पास हो गया यानी कि वन ठीक है क्योंकि वन माइनस वन भी आपका जीरो ठीक है वन माइनस फाइव हो गया आपका यानी तो कि एक फाइव हो गया वन से रिलेटेड ठीक है एक तो वन खुद से ही हो गया एक फाइव हो गया वन से रिलेटेड और वन माइनस नाइन वो एट देगा यानी कि वही मल्टीपल ऑफ फोर तो यानी कि नाइन तो ये तीन हो गए फर्स्ट केस से सेकेंड केस से तो कौन है वन वन ठीक है तो सेकेंड केस से देखें तो वन के साथ और कोई रिलेशन में है और कोई नहीं है तो यानी कि केवल इसमें वन आ जाएगा क्वेश्चन समझो इसमें बोला है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट यानी कि पूरे सेट में कोई एलिमेंट आपका जो वन से रिलेट कर रहा हो तो वन से लेट कौन कर रहा है भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला मल्टीपल ऑफ फोर होना चाहिए तो वन के साथ किसका रिलेशन बन रहा है वन का वन के साथ जीरो फोर का मल्टीपल होगा वन का फाइव के साथ वन का नाइन के साथ है ना वन का नाइन के साथ वन माइनस नाइन एट फोर का मल्टीपल और कोई आपका ऐसा नहीं है जो वन के साथ रिलेशन बना रहा हो और मल्टीपल ऑफ फोर हो पहले केस में ठीक है वन के साथ रिलेशन बना रहा हो और मल्टीपल ऑफ फोर हो तो जितने थे हमने लिख दिए अब सेकंड केस में वन के साथ रिलेशन बना रहा हो इस लेसन के अकॉर्डिंग तो वन के साथ कौन बना रहा है केवल वन वन ही है आपका और कोई नहीं है तो इसका आंसर वन ही होगा ठीक है वन के साथ लेसन बनना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो और कोई है ही नहीं तो केवल वन वन इसलिए वन ही आएगा इसका आंसर ठीक है क्वेश्चन क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर टेन देखो गिवन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिको बट ना इधर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव ठीक है तो ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें ये सब शो करना है एक एग्जाम्पल के तौर तो पर तो एक छोटा सा सेट ले लेते हैं ठीक है लेट पेने एक सेट ले लिया ए और ले लेते ले ले हैं वन टू थ्री ठीक है तो इसके हेल्प से करते हैं तो पहला देखो हमें क्या दिखाना है सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो ठीक है तो मैं ले, ले लेता हूँ कि आर इसमें से ले लेते ले ले हैं दैट इज़ वन टू और टू वन ठीक है तो हमें क्या दिखाना है सिमेट्रिक यानी कि भाई वन टू एस का उल्टा है टू वन है हाँ बिल्कुल ठीक है अब रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि क्या नहीं है भाई वन वन नहीं है टू टू नहीं है तो डुब्लेट नहीं है ठीक है तो यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं है आपके पास अच्छा और ट्रांजिटिव की बात करें ठीक है तो आपके पास क्या नहीं है सिमेट्रिक तो है भाई वन टू है टू वन है रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव नहीं यानी कि नहीं यानी कि ए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर ठीक है तो है ही नहीं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ठीक इसी का भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ट्रांजिटिव की बात करें तो देखो ए बी है बी सी है बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है ना भाई देखो वन टू है ठीक है टू वन है यानी कि ये हो गया ए बी बी सी ठीक है तो हमें क्या चाहिए वन 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 नहीं है तो यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर ठीक है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है सेकेंड सेकेंड में बोला ट्रांजिटिव हो तो अब हमें आ रहा फोकस केवल ट्रांजिटिव के लिए हो तो हम लिख लेंगे आर इसमें लिख लेते हैं हम सेकंड के लिए ट्रांसिटिव दिखाना है तो वन टू ठीक है टू थ्री और क्या चाहिए वन थ्री ठीक है one, three, ये हो गया ट्रांसिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो तो भाई रिफ्लेक्स तो साफ नहीं है आपके पास डुबलेट है ही नहीं ठीक है तो फिर से यही लिख लो क्या आप तो डुबलेट नहीं है अच्छा सिमेट्रिक की बात करें तो वन टू एस का उल्टा है टू वन नहीं है तो हो गया ना ट्रांजिटिव है केवल तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है तीसरा देखो तीसरे के लिए हमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री दिखाना है ट्रांजिटिव नहीं दिखाना ठीक तो तो तो, तो तो, है तो रिलेशन तो हमें यानी कि रिफ्लेक्सिव चाहिए तो डुब्लेटो चाहिए चाहिए भाई वन वन ठीक है टू टू और थ्री थ्री तो हो गया रिफ्लेक्सिव अब हमें सिमेट्रिक चाहिए ठीक है बट ट्रांजिटिव नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ वन टू ठीक है टू वन ठीक है टू थ्री तो टू तो, 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 थ्री तो, 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 लिया तो थ्री टू भी लेना पड़ेगा ठीक है भाई वन टू लिया तो टू वन लेना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक दिखाना है ठीक है सिमेट्रिक दिखाना है तो वन टू लिया टू वन लिया टू थ्री लिया तो थ्री टू भी लिया अब देखो भाई डुबलेट तो ट्रांजिटिव होते ही होते हैं देखो रिफ्लेक्सिव हो गया ठीक है सिमेट्रिक हो गया अब ट्रांजिटिव नहीं दिखाना हमें तो जो डुबलेट होते हैं वो तो ट्रांजिटिव होते हैं अब इसकी बात करो चेक हमें सबके लिए करना होता है ठीक है वन टू है टू वन है तो वन वन है हाँ वन वन है ठीक है अब इसलिए टू वन है वन टू है ठीक है तो टू टू भी है चलो अब इससे देखो टू थ्री है थ्री टू है तो टू टू भी है ठीक है तो टू टू भी है यहां पे आपका ना ठीक है तो अब अच्छा बट हमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है ठीक है अच्छा तो वन टू है ठीक है टू थ्री है अब देखो वन टू है टू थ्री है सबके लिए देखना होता है तो वन टू है टू थ्री है फिर हमें क्या चाहिए ए सी यानी कि वन थ्री नहीं है ठीक है ए बी है बी सी है बट ए सी नहीं है तो वन थ्री है तो ट्रांजिटिव नहीं है ठीक है सबके लिए चेक करना होता है हमें ठीक है बात समझ आ गई तो ये ट्रांजिटिव नहीं है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है ठीक है चौथा देखो यहाँ पे बोला है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट आपका सिमेट्रिक नहीं होगा तो इसके रिलेशन देख लेते हैं ठीक है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा आपका तो इसके लिए मैं बना लेता हूँ तो रिफ्लेक्स तो देखो वन ये तो चाहिए आपको डिपेट तो होंगे ही ठीक है थ्री थ्री ये हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया अब ट्रांजिटिव होना चाहिए सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए ठीक है ठीके? तो यानी कि उल्टा नहीं होना चाहिए तो ट्रांजिटिव के लिए वन टू ठीक है टू थ्री और वन थ्री हो जाएगा वन थ्री इतना ही ठीक है अब देखो वन टू है टू वन है नहीं है तो यानी कि सिमेट्रिक तो है नहीं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है ठीक है ट्रांसिटिव चेक कर लो भाई वन टू है टू थ्री है वन थ्री है हाँ वन थ्री है ठीक है तो टू थ्री है थ्री थ्री है ठीक है तो टू थ्री ठीक है तो टू थ्री है देखो ए बी है बी सी है फिर हमें क्या चाहिए ए सी आने की टू थ्री है तो ये खुद भी तो खुद भी हो सकता है मैंने आपको बताया भी था जैसे डुबलेट खुद ट्रांसिटिव होते हैं तीनों होते हैं ए बी बी सी और सी ए तो वैसे ही हो गया अब वन थ्री है ठीक है थ्री थ्री है फिर क्या चाहिए वन थ्री तो ये वन थ्री तो यानी कि ट्रांजिटिव हो गया आगे बात समझ में ठीक तो है तो ट्रांजिटिव भी है रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक नहीं है ठीक है पांचवा देखो तो पे बोला सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए तो ठीक है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए ना तो इसके लिए मैं लेता हूँ वन टू तो इसका उल्टा भी चाहिए टू वन और फिर हमें ट्रांजिटिव क्ले वन वन है ना देखो भाई वन टू है टू वन है ठीक है तो ये हो गया वन टू है टू वन है ठीक है तो ये हो गया सिमेट्रिक वन वन है तो अपना उल्टा ये खुद ही होगा वन वन अब ट्रांसटिव देखो ए बी है बी सी है तो मैं क्या चाहिए ए सी यानी कि वन वन है वन वन ठीक है टू वन है वन वन है फिर मैं कह जाए टू वन तो यानी कि ये ए सी भी होगा इसके केस में और जो डुबलेट होते हैं वो तो ट्रांसटिव होते ही हैं तो हो गया ना ये ये सिमेट्रिक भी हो गया ट्रांसटिव भी हो गया बट रिफ्लैक्सिंग नहीं है डुबलेट नहीं है क्योंकि सारे केवल वन वन है बात समझ आ गई तो ऐसे करना है क्वेश्चन को ध्यान से अब क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो सो डेट द रिलेशन आर इन सेट ए ठीक है आर इन सेट ए है ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन ठीक है अब क्या बोला आर को डिफाइन करा हुआ पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजन लेट में ले लेता हूं कि ओ क्या है ओरिजिन है ठीक है ओ एक पॉइंट है जो कि ओरिजन है ठीक है और मैं आर को डिफाइन कर लेता हूं इसके अकॉर्डिंग पी क्यू ठीक है ये दे रखा है आपको तो भाई पी का डिस्टेंस ठीक है डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजन तो मैं लिख सकता हूं ना कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू भाई ओरिजन से डिस्टेंस ओ पी का और ओ क्यू का सेम है क्योंकि ओ हमारा क्या हो गया ओरिजन हो गया अच्छा अब हमें बोला है फ्रॉम द ओरिजन तो इज एन इक्वैलेंस तो भाई रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और आपका सिमेट्रिक सारे दिखाने हैं अब बात करते हैं भाई रिफ्लेक्सिव की भाई अगर ये आपका ओ पॉइंट है और ये पी है तो भाई इसकी डिस्टेंस पी से यानी कि ओ पी की डिस्टेंस इक्वल टू पी ओ तो होगी भाई खुद की डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना उसकी यानी कि कोई भी पॉइंट ले लो यानी कि पी पी बिलोंग्स टू आर तो होगा ही है ना हर पॉइंट के लिए तो पीपी बिलोंग्स टू आर होगा ही फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू ए ठीक है तो यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया हैंस रिफ्लेक्सिव आप लिख सकते हो अच्छा सीमेट्री की बात करें ठीक है सिमेट्रिक तो अब देखो ना सिमेट्रिक भाई क्या बोला हुआ ओ पी इक्वल टू ओ क्यू ठीक है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू तो यानी कि अगर हम देख बोले भाई क्यू पी बिलोंग्स टू आर ठीक है इनका डिस्टेंस बराबर है तो भाई पी क्यू बिलोंग्स भी तो आर ही होगा है ना भाई जब ये हो गया ओ ये हो गया पी और ये हो गया क्यू भाई इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है तो यानी कि हम बोल रहे हैं ओ पी और ओ क्यू बराबर है तो ओ क्यू और ओ भी तो बराबर होगा उल्टा भी तो बराबर ही होगा तो सिमेट्रिक भी हो गया ठीक है ट्रांजिटिव की बात करो ठीक है तो ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेते हैं कि भाई ये दे रखा है आपको क्या इसको ले लेते हैं ये हो गया आपका पी क्यू बिलोंग्स टू आर ठीक है क्यू टी बिलोंग्स टू आर ठीक है एक टी पॉइंट और ले लिया हमने ठीक है यहाँ पे ले लो टी पॉइंट तो टी की डिस्टेंस भी बराबर है ठीक है तो भाई पी क्यू बिलोंग्स टू आर और क्यू ट्यू बिलोंग्स टू आर कोई पॉइंट है तो भाई आपका पी टी भी तो बिलोंग्स टू आर ही होगा जब पी और क्यू का डिस्टेंस बराबर है ओरिजन से क्यू और टी का डिस्टेंस बराबर है ओरिजन से तो पी और टी का भी डिस्टेंस तो बराबर होगा ओरिजन से तो हो गया ना ट्रांजिटिव तो हमने शो कर दिया इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है अच्छा अब आपको बोला है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ठीक है यानी कि ये हमने बोला कि ये ओरिजन है सेट ऑफ ऑल पॉइंट तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं ठीक है सेट ऑफ ऑल पॉइंट P not equal to 0, कि जो P पॉइंट है वो जीरो जीरो ओरिजिन यानी कि P कोई है यहां पर सर्कल पासिंग थ्रू P यानी कि क्या वो सर्कल पासिंग थ्रू P है विद ओरिजिन सेंटर तो ये आपका सेंटर हो गया ओरिजिन से ठीक है क्या बोला वहां कि फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट बहुत सारे पॉइंट है ये सब पॉइंट आपके ठीक है सब पॉइंट आपके फॉर ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी पी से रिलेटेड आपके तो पी से रिलेटेड है तो हमें डेफिनेशन दे रखी थी ना कि ओरिजिन से डिस्टेंस सेम तो इन सबका डिस्टेंस सेम होगा ना सबका डिस्टेंस सेम ही तो होगा जब वो P से रिलेट कर रहे हैं तो P से कैसे करेंगे भाई P का डिस्टेंस ओरिजिन से जितना होगा उतना ही सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा तो वो क्या बनाएंगे यानी कि यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि पॉइंट से वो क्या लोकस बनाएंगे ठीक है विच इज इक्स्टेंस फ्रॉम दरिजिन ओरिजिन से इक्व डिस्टेंस है तो क्या बन रहा है आपका सर्कल बन रहा है ये क्वेश्चन है सिंपल सा ठीक है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है आपको ठीक है पहले खुद समझो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व अब देखो क्वेश्चन नंबर बोला है ऑफ ऑल ट्राइंगल एस आर टी वन टी टू टी वन इज सिमिलर टू टी टू ये दे रखा है ठीक है तो नहीं क्या मैं लिखूं रिलेशन आर जो है वो टी वन टी टू ठीक है तो टी वन सिमिलर है टी टू के ठीक है अब देखो हमें क्या शो करना है रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तो भाई कोई ट्रैंगल है तो वो अपने तो सिमिलर हो गई ना है ना कोई ट्रैंगल है तो वो तो अपने सिमिलर हो गई तो हम सीधा लिखेंगे टी टी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए ठीक है तो नहीं क्या हो गया रिफ्लेक्सिव अपने तो सिमिलर हो गई ठीक है अब क्या बोला हो भाई टी वन सिमिलर है टी टू के तो जाहिर सी बात है भाई T2 टू भी तो सिमिलर होगा T1 के इसका उल्टा भी तो सिमिलर ही होगा ठीक है तो हम लिख लेंगे भाई T1, T2 टी टू बिलोंग्स टू R तो T2, T1 टी वन ये भी तो बिलोंग करेगा R को हैं सिमेट्रिक आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा आपका अच्छा आप ट्रांजिटिव लिए, तो अगर T1, T2 टी टू ठीक है बिलोंग्स टू आर और हम ले लें टी टू टी थ्री बिलोंग्स टू आर यानी कि यहाँ पे क्या है टी वन सिमलर टू टी टू ठीक है और यहाँ पे टी टू सिमलर टू टी थ्री तो जब यानी कि ये केस है तो आपका क्या हो जाएगा भाई टी वन सिमलर टू टी थ्री भी तो होगा यानी कि टी वन टी थ्री ये भी तो बिलोंग करेगा आर को यानी क्या हो गया ट्रांजिटिव हैंस इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दिया अब आपको क्या बोला आगे कंसिडर थ्री राइट एंगल ट्राएंगल तो तीन राइट एंगल ट्राइंगल ले लो ठीक है एक हो गया ये ठीक है एक हो गया ये और एक हो गया ये ठीक है तो आपको क्या दे रखा है ये दे रखा है आपको यानी कि फाइव फोर थ्री ये दे रखा है आपको थर्टीन टवेल्व और फाइव और ये दे रखा है आपको टेन एट और सिक्स ले लो ठीक है वैसे तो देखें तो ये सारे आपस में क्या है रिले रिलेटेड हैं क्यों क्योंकि तीनों ही राइट है राइट एंगल ट्रैंगल है ठीक है तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रैंगल सिमिलर शो करने के लिए हमें ठीक है ट्रायंगल सिमिलर शो करने के लिए हमें क्या दिखाना होता है उनके रेशो इक्वल दिखाने होते हैं तो अगर हम देखें कि ट्रायंगल टी वन की के हम देखें अगर फाइव फाइव अपॉन टेन फोर अपॉन एट और थ्री अपॉन सिक्स तो ये क्या आ रहा है आपका इनका रेशो क्या आ रहा है सबका सेम आ रहा तो कौन कौन से ट्रायंगल हो गए ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल थ्री ये यह ये T2 और ये T3 तो इनका रेशियो क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है तो यानी टी वन इज रिलेटेड टू टी थ्री अब क्वेश्चन नंबर देखो तो यहां पे बोला है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ पॉलीगन आर P1, P2 और P1, P2 पी टू के हैव सेम नंबर ऑफ साइड ठीक है पॉलीगन अच्छा बात करते हैं तो आर बोला है आर इन सेट ऑफ ऑल पॉलीगन ठीक है अच्छा पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन क्या होता है पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर ठीक है क्लोज फिगर तो क्लोज फिगर यानी कि आपके पास कितनी भी साइड हो सकती है उसकी ठीक है कि नंबर ऑफ साइड्स आपकी ये हो सकती है तो यानी कि जो आर रिलेशन है ठीक है पी वन पी टू ठीक है तो हमें बोला पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स ठीक है ये बोला बोलाओ आपको रिलेशन अच्छा अब हमें क्या बोला भाई इक्विवेलेंस तो ठीक है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अच्छा आप बात करें तो भाई कोई पॉलीगन है मान लो ये पॉलीगन है आपके पास स्क्वायर ले लो पॉलीगन है ठीक है तो भाई ये अपने तो यानी कि सेम हो गई ना भाई इसकी चार साइड है और मैं यही ले लूँ सेम पॉलीगन तो उसकी भी क्या होंगी चार साइड ही तो होंगी यानी कि हम कह सकते हैं ना कि भाई पी वन पी वन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वन बिलोंग्स टू आर तो यानी क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया अच्छा symmetric की बात करें भाई आपको दे रखा ऐसे पी वन पी टू दे रखे ठीक है सेम नंबर ऑफ साइड है तो पी वन और पी टू ठीक है यह बिलोंग्स टू आर करा भाई पी वन पी टू दो पेलिगन है ठीक है मान लो एक रेक्टेंगल एक आपका स्क्वायर चार साइड है दोनों की तो अब पी टू और पी वन भाई ये हो गया रेक्टेंगल यह हो गया स्क्वायर फिर यह हो गया स्क्वायर और यह हो गया रेक्टेंगल इनकी चार इनकी चार तो इसकी और इसकी भी तो चार ही होंगी तो ये भी तो बिलोंग करेगा आर को तो हो गया है सिमेट्री ठीक है अब ट्रांजिटिव की बात कर लो तो ट्रांजिटिव पे क्या है भाई पी वन पी टू बिलोंग्स टू आर इन दोनों की साइड सेम है ठीक है एंड पी टू पी थ्री इन दोनों की साइड सेम है तो भाई जब इन दोनों की साइड सेम है इसकी चार इसकी चार साइड इसकी चार इसकी चार साइड तो पी वन और पी थ्री की भी तो सेम ही होगी यानी कि पी वन और p3 ये भी तो बिलोंग्स करेगा r को हेंस ट्रांजिटिव हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है तो ये हमने शो कर दिया अब क्या बोल रहे हैं आगे की व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन a a में से हमें एक सबसेट निकालना है ठीक है a में से हमें सबसेट निकालना है इस तरीके से जो कि क्या रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल t विद साइड 3 4 5 ठीक है तो भाई ए जो सेट है उसके अंदर तो क्या क्या होंगे कॉर्डिलेटर आपके ट्राइंगल ठीक है अलग अलग पॉलीगंस होंगे आपके तो हमें उसमें से यानी कि उस सेट ए में से एक सबसेट ऐसा निकालना है जो कि इसके साथ रिलेशन में हो ठीक है इससे रिलेटेड होगा राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड थ्री फोर फाइव अब राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी साइड ये है तो जाहिर सी बात है जो सबसेट बनेगा वो वो किसका बनेगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल का ही तो बनेगा तीन साइड वालों का ही तो बनेगा जिसकी तीन चार पांच होगी बात समझ आई ठीक है एक सबसेट हमें बनाना है जो कि रिलेटेड हो राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड थ्री फोर फाइव तो भाई कौन से हो सकते हैं भाई एब साइड में तो पॉलीगन डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के होंगे तो उसमें से हमें तीन साइड वाले निकालना है तो तीन साइड वाले तो केवल ट्राइंगल ही हो सकते हैं ना तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन होगा ठीक है तो आंसर क्या हो गया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल क्योंकि तीन साइड वाला बोला है सिंपल अच्छा आप देखो क्वेश्चन नंबर फोर फोर्टीन ठीक है तो लेट एल सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन लाइन इन एल डिफाइन एस आर तो यानी कि आर रिलेशन दे रखा है आपको आर ठीक है एल वन एल टू ठीक है और क्या क्या दे रखा एल वन पैरेलल है ठीक है किसके एल वन पैलर है आपकी एल टू के ठीक है यहाँ पे एल वन लिख दिया एल टू है ठीक है तो इसके पैरेलल है तो हमें शो करना है कि भाई इक्वेलेंस रिलेशन है तो इक्वेलेंस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भाई कोई लाइन L1 है ठीक है ये लाइन L1 है तो ये अपने तो पैलर होगी ना ठीक है तो भाई तो इसमें क्या लिखना है सीधा सीधा हम लिख लेंगे इसमें कि एल ठीक है एल वन अच्छा इसमें लिखेंगे एल वन एल वन लिखेंगे क्योंकि अपने ही पैलर बता रहे हैं तो एल वन एल वन बिलॉन्ग्स टू आर ठीक है फॉर ऑल हर लाइन अपने तो पैलर होगी चाहे वो किसी भी प्लेन में हो तो एल वन बिलोंग्स टू एल तो हैंस क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया अब सिमेट्री की बात करो कि एल वन और एल टू ठीक है दो लाइने एक लाइन ये हो गई एल वन एक लाइन ये हो गई एल टू तो ये एल वन एल टू के पैलर है तो एल टू भी तो एल वन के पैलर होगी तो भाई एल वन एल टू बिलोंग्स टू आर तो एल टू भी तो पैलर होगी एल वन के उसका उल्टा भी तो होगा तो यानी कि सीमेट्रिक भी हो गया ठीक है अब ट्रांजिटिव भाई एल वन एल टू ठीक है बिलोंग्स टू आर एल वन एल टू आप ये पैलर है ठीक है एल टू एल थ्री बिलोंग्स टू आर भाई एल वन एल टू पैलर है एल टू एल थ्री पैलर है तो भाई एल वन और एल थ्री भी तो पैलर होगा ठीक है ये इम्प्लाइज करता है कि एल वन और एल थ्री भी क्या होगा आपका पैलर होगा तो हैंड्स ये आपका क्या हो गया ट्रांजिटिव ठीक है ये ट्रांजिटिव हो गया अच्छा अब आगे आपको क्या बोला है आगे आपको बोला है फाइंड द सेट ऑफ लाइन तो सारी बतानी है, जो वाईक्वल टू टू एक्स प्लस फोर के क्या हो पैलर हो और आपको पता है पैलर जब लाइन होती है तो क्या होता है स्लोप स्लोप सेम होता है बस केवल क्या बदलता है आपका केवल आपका इंटरसेप्ट चेंज होता है केवल इंटरसेप्ट चेंज होता है स्लोप आपका सेम रहता है तो हम कह सकते हैं ना लेट एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लेते हैं लेट एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं ठीक है आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं क्या आर्बिट्री कांस्टेंट सी ले लिया हमने तो यानी कि हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन क्वेश्चन वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस सी तो सी की वैल्यू पुट करते रहो और लाइन इस लाइन के वाई इक्वल टू जो आपको दे रखा है टू एक्स प्लस फोर सी की वैल्यू पुट करते रहो इस लाइन के पहले लाइनें आती रहेंगी ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और सिक्सटीन जो आपके बचे हैं अब देखो इतने क्वेश्चन करने के बाद फिफ्टीन और सिक्सटीन आप खुद से कर सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सिक्सटीन तो आपका मल्टीपल चॉइस है केवल वैल्यू पुट करनी है आंसर ठीक है फिफ्टीन भी आपका सेम है मैं आपको सब बता चुका हूँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सेम टू सेम अप्रोच के साथ क्वेश्चन कर देना है